हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ट्वेल्थ क्लास पॉलिटी का चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन मेकर वन जीरो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि 1989 के बाद कौन से मेजर इशूज़ देखे गए इंडियन पॉलिटिक्स में और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या चेंजेस लाई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 80s की डिकेड की, तो कंट्री जो थी, जो भारत था, उसने 5 तरह की डेवलपमेंट को देखा। ठीक है, जिसने पॉलिटिक्स में भारतीय जो राजनीति थी उस पर बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दिखाया। सबसे पहले एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, अब क्या हुआ था 1984 में, क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जो इलेक्शन हुए उसमें जो थे राजीव गांधी जो थे उनको बड़ी ही मेजोरिटी से सफलता हासिल हुई, यानी कि उनको 415 वोटों से क्या मिली, सफलता मिली। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी की हत्या होती है और वापिस 1989 के जो इलेक्शंस होते हैं, 1989 के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो हार जाती है। उसको कितने सीट्स मिलते हैं, टोटल 197 सीट्स। उसके बाद गठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन गठबंधन की सरकार इतना अच्छा काम नहीं करती, जिसके कारण क्या होता है 1991 में फिर से कांग्रेस जीत जाती है। तो सबसे पहले क्या देखा गया था कि कांग्रेस का जो सिस्टम था उसका एंड हुआ। ठीक है, दूसरे नंबर पे मंडल इशू। मंडल इशू क्या था, जैसे कि आप जानते हैं कि एक मंडल कमीशन बैठा था, ठीक है, इसने क्या रिकमेंड किया था कि भारत की जो गवर्नमेंट सेंटर की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी काफ़ी विरोध हुआ। तीसरा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये किन्होंने, इस बारे में किसने बात की थी, राजीव गांधी ने, जिस बाद में जिसको नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उन्होंने लागू किया था। ठीक है, यहाँ पे एलपीजी की बात होती है। ठीक है, एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब क्या था, इससे पहले जो हमारी भारत की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड थी। अब राजीव गांधी क्या चाहते थे कि हमारे भारत जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल व्यापार हो, गवर्नमेंट की कम से कम इंटरफेरेंस रहे व्यापार में, और जो हमारा देश है उसके अदर जो इंटरनेशनल जो स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश हो, जिससे हमारा व्यापार क्या हो, काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हो और हमारा देश जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। उसके बाद क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है जो कि अयोध्या में बनी है। क्यों तोड़ा जाता है, क्योंकि अयोध्या जो है वो राम की जन्मभूमि थी। ठीक है, और वहाँ पर लोग चाहते थे कि यहाँ पर राम जी का मंदिर बने, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कॉम्युनल राइट होती है, जैसे मुस्लिम और हिंदू में आपस में काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती है। ठीक है, और इन सबको बीजेपी से एसोसिएट किया गया था। ठीक है, फिफ्थ इशू क्या होता है, फिफ्थ इशू होता है जैसे ही राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, 1989 के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कांग्रेस हार जाती है और मल्टी पार्टी सिस्टम का एक एरा जो है वो आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। यहाँ पे कोई भी सिंगल पार्टी जो होती है वो लोकसभा में मेजोरिटी को गेन नहीं कर पाती। ठीक है, जिसके कारण गठबंधन की सरकारें बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और रीजनल जो पार्टीज होती हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती हैं गठबंधन की सरकारें बनाने में। ठीक है, सिंस 1989 यहाँ पर क्या है, 9 गवर्नमेंट्स होती हैं सेंटर में, जो कि या तो गठबंधन से बनी होती हैं या तो मिनोरिटी गवर्नमेंट होती हैं, जिनको कि अदर पार्टीज क्या करती हैं, सपोर्ट देकर बनाती हैं। ठीक है, इस फेस में क्या होता है, गवर्नमेंट पार्टियाँ सिर्फ या तो, मतलब कि सिंगल पार्टी नहीं होती, गठबंधन की सरकारें ही होती हैं। ठीक है, उसी से गवर्नमेंट बनती है। अब 90s के दशक में हमने क्या देखा, काफ़ी पावरफुल जो पार्टीज़ होती हैं उनकी एमर्जेंस होती है। ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, दलित और बैकवर्ड क्लासेस को, और रीजनल असर्शंस होते हैं एज वेल। रीजनल असर्शंस क्या होते हैं, क्षेत्रीय दावे। तो ये सब हमें 90s को देखने को मिलते हैं। और ये जो 5 चेंजेस होती हैं, 5 इशू होते हैं, इन्होंने जो भारतीय पॉलिटिक्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पैक्ट दिखाया था। थैंक यू।